नेक्स्ट प्रोडक्ट स्वास्थ्य मित्र लंग्स केयर ये लंग्स केयर का लंग्स का क्या है आजकल आजकल ये आपका ये थ्रट जो होता है ना हमको ये के साथ जीना पड़ेगा शायद महीनों जीना पड़ेगा शायद सालों जीना पड़ेगा क्योंकि आज तक उसका कोई वैक्सीन का इन्वेंशन हुआ नहीं है आपको क्या करना चाहिए जैसे आपको मालूम है just 3 मर जाते हैं. 97 जाते हैं, कभी कभी 85 परसेंट एकदम तंदुरुस्त रहते हैं तकरीबन 10 परसेंट ट्वेल्व परसेंट को थोड़ा खराबी इधर उधर हो जाते हैं वही है कोविड का कहानी इन शॉर्ट राइट वही है एक्चुअल डिटेल्स आप आ, आ, सर्च करके लेना पड़ेगा आपको ये आपका लंग्स में ये इंफेक्शन अगर ये वायरस आपके लंग्स में ना पहुंचा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा ठीक है बाहर बैठ के आपके डोर हैंडल में बैठ के आपके मुख में बैठ के नहीं इनको तो आपके लंग्स में पहुंचना है जैसे आपका लंग का लंग्स का ये अंदर से अंदर ये जाके एक लंग्स के अंदर आप इतना सांस लेगा तो पूरा सांस लेगा तो ये लंग्स के ये एल्विओले के अंदर ये टेनिस कोर्ट में जितना हवा भर सकता है उतना भरा हवा हम सबके लंग्स के अंदर भर जा सकता है। तो इतने ताकत वाले इतने स्ट्रॉन्ग इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट है ये बैक्टीरिया वायरस को रोकने का पकड़ने का इतना स्ट्रॉन्ग इतना इतना सिस्टम है जो अगर डस्ट आएगा बैक्टीरिया आएगा फंगस आएगा कोई भी आएगा उसको रोकने का पकड़ने का मारने का एंटीऑक्सीडेंट एंटी इन्फ्लामेटरी म्यूकस ये हेयर नेसल हेयर सब कुछ होता है क्योंकि दिस इज आवर प्राइमरी डिफेंस सांस लेते हैं ना हर पल में सांस लेते हैं जब सांस लेते हैं वो सांस में कितने सारे लाखों करोड़ों बैक्टीरिया वायरस फंगस डस्ट वगैरह 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 होते हैं कार्बन मोनोक्साइड होते हैं फैक्ट्री एमिशन होते हैं एफ्लुएंस होते हैं सब कुछ होते हैं जब आप लेके एक परफ्यूम लेके ऐसे मारते हैं वो भी केमिकल जाते हैं ना वो केमिकल आपके न, ना ये नाक के अंदर जाके ये ये रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके लंग्स के अंदर जा रहा है क्या वो कोई मेडिसिन है कोई न्यूट्रिशन है नहीं ना कुछ भी नहीं है फिर भी इतने तंग कर रहा है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को आपके को, आपके लंग्स को कुछ करता नहीं है मदद कुछ करो ना थोड़ा बहुत मदद करो आपका लंग्स है अगर रिप्लेस करना है तो देने वाला कौन है अगर कोई देगा तो कितने लाखों करोड़ों देना पड़ेगा और क्या गारंटी है वो रिप्लेस करने से सब ठीक हो जाएगा क्यों इतने इंपॉर्टेंट एक ऑर्गन है सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिय है आपका सांस नहीं लेगा तो तीन मिनट के अंदर अंदर आप मर जाएगा दूसरा है पानी नहीं पिएगा तो तीन से पांच दिन के अंदर अंदर मर जा सकता है मैक्सिमम सेवन डेज तीसरा है नींद नींद ना मिला तो स्लीप ना मिला तो दस दिन के अंदर अंदर मर जा सकता है ये इन कोई भी चीज के लिए आपको पैसा देना पड़ता है सांस लेने के लिए पानी पीने के लिए सोने के लिए पैसा देना पड़ता है बिल्कुल नहीं आपको बस करना चाहिए मगर हम करेंगे नहीं सांस नहीं लेंगे कोई प्राणायाम नहीं करेंगे इस्तेमाल ये गंदी गंदी चीजें जो आपके लंग्स को खराब करने वाले उस कुछ करता नहीं उसके लिए अगर कुछ कुछ अपना श्वास मित्रा यूज करो तो 10 15 20 क्वेश्चंस पूछते हैं इसमें क्या है क्या नहीं है जो परफ्यूम आप आज, आज आज आप मारा है ना परफ्यूम उतने इतने सारे केमिकल्स है आपने कोई किसी से पूछा क्या ये परफ्यूम मारने से मेरा लंग्स का कुछ होगा मेरा लिवर का कुछ होगा किसी से कुछ पूछा क्या बिल्कुल नहीं पूछेंगे जब हम श्वास मित्रा के बारे में लिवर केयर के बारे में पूछेगा बोलेगा तो बहुत इतने सारे क्वेश्चन मांगे क्या इसमें केमिकल है इसका साइड इफेक्ट होगा ये होगा वो होगा इतने सारे डाउट तब होते हैं जब अच्छे चीज के बारे में बात करते हैं ये क्यों है इसीलिए तो हॉस्पिटल इंडस्ट्री बढ़ते हैं ये अपना मैग्नसा का श्वास मित्रा में दो चीज चार चीज एक साथ चलते हैं क्लेंसिंग डिफेंडिंग मोडुलेटिंग एक्टिवेटिंग अपने लंग्स को अपने श्वास श्वासकोश को ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लेंसिंग करते हैं उसका जो बैक्टीरिया है इतना सारा म्यूकस है है ना इन्फेक्शन कुछ हुआ है तो आपको मालूम है जैसे फ्लम ज्यादा हो जाते हैं ना म्यूकस से भरा वो सांस नहीं मिलेगा पूरा वो प्रॉब्लम फ्लम वो उसको क्लेंसिंग करना है पहले पहले तो ये म्यूकस से ज्यादा एक्स्ट्रा म्यूकस से क्लेंसिंग करना है बैक्टीरिया वायरस सबसे क्लेंसिंग करना है डिफेंडिंग करना है आपका यह लंग्स को ताकत देके उसका न्यूट्रिएंट देके, बैक्टीरिया वायरस को इनफ्लमेशन को ऑक्सीडेशन को रोकने का वो ताकत देना है इसीलिए तो डिफेंडिंग प्रॉपर्टी कहा जाता है मोडुलेटिंग आपका लंग्स को मोडुलेट करता है ताकि वो सांस अच्छे से अच्छे सांस ले करें राइट ये आसमा जैसे एलर्जिक रिएक्शन हो रोका जाए कोई रेस्पिरेटरी इंफेक्शन ना हो जाए अगर कुछ हो गया तो उसको उसको रोक सके उसको करेक्ट कर सके और आपका सिस्टम को एक्टिवेट कर सके सोचो ये ऑक्सीजन ना मिला तो अपने हर सारे कोशिकाओं से जो बाहर आने वाला कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ना गया तो आपका क्या होगा तीन मिनट के अंदर अंदर ये सब फ्री में मिलता है ना बना बना के दे रहा है भगवान लंग्स जैसे एकदम एडवांस्ड सिस्टम को और एयर जो मांगता है ऑक्सीजन फ्री में मिलता है जाके ऑक्सीजन लेने का कोशिश करो ना वेंटिलेटर में जाके एक ट्यूब वो मुंह से लेके ये लंग्स के अंदर तक जाने वाले ये वेंटिलेटर ट्यूब जब जा जाएगा इतना दर्द इतना कष्ट आपको लेना पड़ेगा तब तो पता चल जाएगा ये लंग्स चीज क्या होता है हम इसका देखभाल करना चाहिए था राइट ये लंग्स का डब्ल्यू आई आई एफ एम कहते है वट इज इन इट फॉर मी वो ही हम डिस्कस कर रहा है एफ चैनल नहीं है डब्ल्यू आई आई एफ मतलब वॉट इज इन इट फॉर मी ये श्वास मित्रा क्लेंसिंग करेगा डिफेंडिंग करेगा मॉड्यूलेटिंग करेगा एक्टिवेटिंग करेगा मतलब आपका पूरा लंग्स का देखभाल करने का ताकत और मदद अपना शरीर को देगा ये मत सोचो कि इसका इंग्रेडिएंट जाके पूरा लंग्स को वॉश करके साफ करे ऐसा नहीं है उसका सिस्टम आपके और मेरे शरीर में है क्लेंसिंग का सिस्टम है उसको क्या मांगता है वो देते हैं उसको इंफॉर्मेशन देते हैं उसको मदद करते हैं और आपका लंग्स को सांस लेने का सिस्टम लंग्स right? में एंटी इनफ्लमेटरी है मैक्सिमम प्रॉब्लम क्या होता है इंफ्लमेशन इन्फ्लामेशन लंग्स में जब इंफ्लमेशन हुआ तो आपको कफ कोल्ड कोविड इंफेक्शन कोविड नाइनटीन क्या होता है इंफ्लमेशन ये वायरस दबा गया ना तो शरीर उसको इन्फ्लोमेशन क्या होता है इंफ्लोमेशन इज द रेस्पॉन्स ऑफ द सेल्स टू अ ट्रोमा अगर आपका कोशिकाओं का कोई एक्सीडेंट हुआ तो उसका कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो बैक्टीरिया से हो सकता है फंगस से हो सकता है वायरस से हो सकता है केमिकल से हो सकता है कुछ भी चीज से अगर कोई ट्रोमा कुछ 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 खराबी कुछ वूड हो गया तो वो कोशिकाएं रेस्पोंड करेंगे उसको कहते हैं ना हम इनफ्लोमेशन आपका सिर का ही मारा है तो क्या होगा यहाँ पे मारा है तो यहाँ पे पहले पहले दर्द होगा स्वेलिंग होगा रेडनेस होगा उसका टेम्परेचर में फर्क होगा नमनेस होगा ये पांच सिम्टम हर किसी सिम्ट इंफ्लमेशन में होते हैं तो जब ये बैक्टीरिया पहुंचते हैं ये बैक्टीरिया आपका लंग्स का ये कोशिकाओं के अंदर जब बढ़ जाते हैं तब तो शरीर में इंफ्लमेशन होते हैं सारे इतने लाखों करोड़ों कोशिकाओं में लंग्स के लाखों करोड़ों कोशिकाओं में एक साथ इंफ्लमेशन चालू है क्योंकि ये वायरस आ चुका है जिसको हम कहते हैं ना कोविड नाइनटीन सार्डसिवियर रेस्पिरेटरी सिंड्रम कोरोना वायरस टू वो वायरस के वास्ते जो डिसीज कंडीशन हो रहा है चालू है वो है कोविड नाइनटीन कोरोना वायरस दिस टू तो एंटी इंफ्लेमेटरी इसका सारा इनग्रीडियंट्स 21 इंग्रेडिएंट्स है सब कुछ एंटी इंफ्लेमेटरी है यह लंग्स केयर श्वास मित्र में 21 इंग्रेडिएंट्स है ऑल नेचुरल है वो एंटी इंफ्लेमेटरी है मतलब आपके ये लंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन से बचाने का काम पूरा ये 21 इंग्रेडिएंट्स अपने शरीर को मदद करके करते हैं एंटीऑक्सीडेंट मैक्सिमम ऑक्सीडेटिव डैमेज होना चाहिए होते हैं ना ये कुछ भी हो डिज कंडीशन कुछ भी हो इनफ्लमेशन ऑक्सीडेशन ये सब जरूर हो जाएंगे okay? तो ये अपने लंग्स के अंदर भी इन्फ्लेमेशन होगा तो इसीलिए तो इक्कीस इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी वाला नेचुरल इंग्रेडिएंट्स अपने शरीर को देखता है देता है ताकि शरीर प्रबल हो जाए और इसका देखभाल किया जाए एंटाइक्सीडेंट शरीर का ऑक्सीडेटिव इसीलिए तो कहते हैं ना ये बहुत सारे आपको वाइटमिन सी खाना पड़ता है फ्रूट्स खाना पड़ता है कोविड मिल गया तो कोविड को रोकने के लिए आप नींबू पानी पीजिए उसमें वाइटामिन सी है अमला खाइए उसमें वाइटमिन सी है क्यों कहते हैं इसे कि सी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंटी ये इतना मैक्सिमम वाइटमिन सी आपके श्वास कोश में लंग्स के अंदर होता है उसके वास्ते हमें ये प्रॉब्लम होता है इसीलिए तो एंटी ऑक्सीडेंट मांगता होना चाहिए एंटी एंटाइनफ्लामेटरी होना चाहिए एंटी वायरल होना चाहिए एंटी बैक्टीरियल होना चाहिए एंटी कैंसर होना चाहिए बहुत सारे प्रॉपर्टीज मांगता है ये म्यूकोलाइटिक है म्यूकोलाइटिक मतलब जो फ्लम जो होता है ना आपके श्वास कोश के अंदर जो हिंट पाइप में जो फ्लम जो भरा हुआ है उसको रिमूव करने का मदद कर रहा है रिलीविंग कफ ये जो कफ होता है ना कफ और कोल्ड होता है उसको रिलीव करते हैं ये ये जो है ना मत, मतलब blood vessels, ये एकदम एकदम वो कहा जाता है उसमें जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है जिसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं ये सारे जो प्रॉब्लम सारे से सारे प्रॉब्लम जो लंग्स में जो हो रहा है उसका मदद करना ये आपका लंग्स केयर का एक ही काम राइट right? ये पासेज क्लियर करना एयरवेज को प्रोटेक्ट करना ब्रोंकियल डिसऑर्डर देखकर को श्वास कोश के अंदर जो भी प्रॉब्लम हो रहा है जो भी आप बोलो ना उन सबको ये इतना तो हमें समझना चाहिए कि हमारा ये श्वास कोश को आपका शरीर खुद संभालते थे ना कहीं ना कहीं अगर कोई जन्म जन्म से ही कंजनेटल डिसऑर्डर ना हुआ तो ये धीरे 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 हो जाते हैं सिगरेट पीते हैं कम से कम पाँच हजार केमिकल अंदर घुस जाते हैं आपके श्वास कोश के अंदर आपके लंग्स के अंदर पाँच हजार केमिकल्स आते हैं आप क्या सोचते हैं आपके लंग्स को ये सारे केमिकल्स को कैसे संभालोगे खुद को मार रहा है खुदकुशी कर रहा है तो हम कह रहा है ना ये थोड़ा यूज करो ना आपका लंग्स का सपोर्ट करो अक्कल बनती है और कुछ नहीं मांगता है थोड़ा बहुत अक्ल चाहिए यह सब समझने के लिए वेन यू अंडरस्टैंड यू नो डोंट ऑब्जेक्ट इसमें ट्वेंटी वन हर्बल एक्सट्रैक्ट है अश्वगंधा है अगरू है काड़बम है हरितकी, तकी हिंग जाति फल कटाकारी करकट का श्रृंगी तुलसी त्वक वगैरह 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 ट्वेंटी वन का नाम तो हम बाय हार्ट पढ़ने का जरूरत नहीं है पढ़ के भी क्या फायदा है एक ही बात है श्वास मित्रा इज द प्रोडक्ट ऑफ द डे हमें रिपोर्ट है हमें रिपोर्ट है हमें टेस्टिमनी है हमें कोविड नाइनटीन पेशेंट ये प्रोडक्ट यूज करके उसका साइटोक्रोम साइटोकेन स्टोम होते हैं अगर आपको कोविड हो गया तो सेवन एट नाइन डेज पे मैक्सिमम इंफ्लॉमेशन हो जाता है उसी टाइम पे मैग्नेसाश्वास मित्रा और सी नाइनटी एट हेड बीन ग्रेटली हेल्पफुल फॉर मेनी पीपुल हु कुड सेव दमसेल्स फ्रॉम एनी कोई सिम्टम था नहीं राइट रोक पाया वायरस वाली इन्फ्लेमेशन को और वायरस को रोक के एकदम तंदुरुस्त पाया बहुत ही मामूली सी आदमी नहीं हमारा आपका डॉक्टर संदीप मैत्रे मै श्रम फ्रॉम नागपुर ही हिमसेल्फ यूज द प्रोडक्ट एंड गोट अनमास्ट रिजल्ट्स एंड नाउ ही इज गिविंग एंड रेकमेंडिंग टू अदर पेशेंट and he himself told me sir if anybody wants to take any consultation on this as to whether Shwasamitra and c-98 would be useful, they can talk to him directly and understand as to how these two products have saved him, him and his seven-year-old son against covid-19. see, when something is working against covid-19, please understand, it is not a medicine. it is a true nutriment, nutrition. it is a true food. it is a super food. that is why it is working against virus and such pandemic.

कोई भी दवा वो रोग आने के बाद ही यूज कर सकता है रोग इसीलिए आते हैं कि आपका लाइफस्टाइल में फर्क आ गया कमी हो गया एक्सरसाइज नहीं था सडनटरी लाइफस्टाइल था खाने में जो मांगता है वो दिया नहीं अब अपना खुद का देखभाल नहीं किया तो प्रॉब्लम शरीर रिस्पोंड कर रहा है जिसको हम रोग कहते हैं राइट जो पानी मांगता है उसके लिए कोई दवा खा के कैप्सूल खाके क्या फायदा है सांस लेना है तो सांस लेना है नहीं तो क्या कर क्या देगा आपको डॉक्टर साहब को देगा वेंटिलेटर वो भी बहुत कम वेंटिलेटर अवेलेबल है भारत में 130 करोड़ लोगों के लिए कितने वेंटिलेटर अवेलेबल है ये मत सोचो कि सिस्टम है नहीं है गिर गया तो गिर गया थ्रू दिस कोविड नाइनटीन सीजन एटलीस्ट वंस इन थ्री मंथस एक बॉटिल श्वास मित्र सबको दे दो ना घर में सबका पा देखभाल करो सबका लंग्स का देखभाल करो ये ही तो आप कर सकते हैं और क्या कुछ कुछ कर सकते हो क्या ये कोविड नाइनटीन को मार सकता है रोक सकता है सैनिटाइजर से क्या करोगे से क्या करोगे अंदर घुस गया तो घुस गया तो अंदर से बाहर आना चाहिए आपका लंग्स को आप ठीक तरह से आपका लंग्स तो फाइट कॉम्बैट कोविड नाइनटीन यूज स्वास्थ्य मित्र मैगनसा मैगफोना राइट अगर आप डायबिटिक है तो डायाशील्ड यूज करने का है आपका और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो घर में यूज करने का है सी नाइनटी एट यूज करने का है राइट सो दिस इज द प्रोडक्ट